हेलो फ्रेंड्स, मैं अनामिका, मेरे किचन में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज मैं बनाना मिल्क शेक बनाने जा रही हूँ। इसके साथ हम ढेर सारा ड्राई फ्रूट्स यूज करेंगे। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो को आप लास्ट तक देखिए, अच्छी लगे तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिए। तो चलिए हम फटाफट इसे बनाना शुरू करते हैं। शेक बनाने के लिए हमने लिया है केला। एकदम पक्का हुआ केला होना चाहिए, कच्चा रहेगा तो अपना शेक का टेस्ट बिगड़ सकता है। यहाँ पे हमने 10 से 12 बादाम लिए हैं, 10 से 12 काजू। टेस्ट के अनुसार हम शक्कर डालेंगे। आपको ज़्यादा पसंद है तो ज़्यादा डालिए, कम है तो कम शक्कर डालिए। हमने 5 से 6 इलायची के दाने लिए हैं, इससे बहुत ही अच्छा स्वाद आता है। और यहाँ पे हमने ठंडा दूध लिया है 1 ग्लास। तो सबसे पहले हम एक मिक्सर जार लेंगे। हमने एक बड़ा सा मिक्सर जार ले लिया है, इसमें हम सबसे पहले डालेंगे अपने ड्राई फ्रूट्स। तो आप ध्यान से देखिए, हमने यहाँ पे इलायची के साथ ड्राई फ्रूट्स मिक्सर जार में डाल दिया है। साथ में हम टेस्ट के अकॉर्डिंग शक्कर भी डाल देंगे। वैसे तो केला मीठा होता है तो हम शक्कर अपने अंदाज से ही डालेंगे। हम ढक्कन लगा के इसे 2 से 3 बार पीस लेंगे। इससे क्या होता है, ड्राई फ्रूट्स अच्छे से पीस जाता है। तो चलिए हम ड्राई फ्रूट्स और शक्कर को ब्लेंड कर लेते हैं। एक बार आप देख सकते हैं कितनी बढ़िया अपनी ड्राई फ्रूट्स टुकड़े में हो गई हैं, यानी कि न ज्यादा पाउडर हुआ है और न ज्यादा दानेदार ही है। ऐसे ही चाहिए शेक में अपना ड्राई फ्रूट्स। अब यहाँ पे हमने जो केला लिया था उसका छिलका हटा के और छोटे छोटे टुकड़े करके डाल देंगे। तो ऐसे ही हम सभी केले डाल लेंगे। यहाँ पे आपको 2 ग्लास का माप बता रहे हैं, आपको जितना बनाना है उस अनुसार केला डालिए, दूध डालिए। हमने सभी केले के छिलके हटा के मिक्सर जार में डाल दिए हैं। तो ध्यान रहे, जब भी हमें शेक बनाना हो तभी हम केला छीलेंगे, नहीं तो काले पड़ जाते हैं। ध्यान रहे, हमें दूध ठंडा ही लेना है, नहीं तो शेक का कलर खराब हो जाता है और टेस्ट भी बढ़िया नहीं आता है। तो अब हम ढक्कन लगा के और फिर से ब्लेंडर चलाएंगे। हमने थोड़ा सा दूध डाल के केला को भी अच्छे से ब्लेंड कर लिया है। अब बाकी के दूध हम इसमें डाल के और 1 आध सेकेंड और चला लेंगे। इससे क्या होता है, केला अच्छे से अपना मिक्स होता है, नहीं तो टुकड़े रह जाते हैं एक साथ में जब हम ज्यादा दूध डालते हैं। चलिए हम ग्लास में सर्व करके दिखाते हैं आपको। तो आप ध्यान से देखिए कितना बढ़िया अपना बनाना शेक का कलर आया है और इसका थिकनेस भी देख सकते हैं आप। चलिए हम थोड़ा सा ड्राई फ्रूट से गार्निश कर लेते हैं। यहाँ पे हमने बादाम लिया है। तो फ्रेंड्स, आपने देख लिया बनाना शेक बनाना कितना आसान है। इसे आप कोई भी व्रत हो बनाइए या आप जिम जाते हो तो उसमें पीजिए, ये बहुत ही फायदेमंद होता है और बनाना भी आसान है। अपने बच्चों को दीजिए, उसके दिल दिमाग के लिए बहुत ही फायदेमंद होता है। तो फ्रेंड्स, इस रेसिपी को आप भी जरूर ट्राई कीजिए। अच्छी लगे तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिए। धन्यवाद।